वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे ये सभी लोग दहेज लोभियों के सताए हुए हैं, जो अपनी झुलसी हुई पुत्री को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पिता बीरी सिंह ने बताया कि उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार मथुरा के गांव बरारी के रहने वाले युवक के साथ अपनी पुत्री की शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही लगातार उसकी मांगें बढ़ती चली गईं और दहेज की खातिर उसने अपने परिवारी जनों के साथ मिलकर उसकी पुत्री रचना को जिंदा जलाने की कोशिश की। लगभग एक माह से झुलसी हुई रचना को अभी तक न्याय नहीं मिला है। दहेज लोभी ससुराली जन लगातार रचना से अतिरिक्त दहेज लाने की मांग किया करते थे। इस पर रचना ने कई बार परिजनों को आपबीती बताई, जिस पर परिजनों ने कुछ पैसे ससुराली जनों को दे दिए। इसके बाद ससुराली जनों की भूख और ज्यादा बढ़ गई। उन्होंने दहेज में लाखों रुपए की डिमांड कर दी, जिस पर रचना ने अपने ससुराली जनों से ही साफ साफ मना कर दिया कि अब और उसके परिजन पैसा नहीं दे सकते। ससुराली जनों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जलाकर मार देने की कोशिश की और उसे मरना अवस्था में छोड़कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद उसको स्वर्ण जयंती अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब से लेकर अब तक पीड़ित परिवार ससुराली जनों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने और चौकियों के चक्कर काट रहा है। आई थी मुझसे गलत अंदाज लगा के पेट्रोल छिड़क के हाथ दे दी थी। किसने लगाई? सासरे वाले ने। किस लिए? यो कहते थे पैसे लेके अपने बाप से। मेरे बाप गरीब था, पैसे दे नहीं पाया तो मुझ में हाथ लगा दी। कब हुई शादी और कहाँ हुई आपकी शादी? बरारी हुई थी मेरी। क्या कहती है आपकी? मेरी सास कहती है के पैसे लेके आ। कितने रुपए मांगती है दहेज में? पहले से 10-20 हजार मांगते थे तो मेरे बाप ने दे दिए। फिर मेरे बाप पे है नहीं थे तो बोले 1 लाख रुपए ले गया। कहीं पे शिकायत की आपने इसकी अभी तक? की। क्या हुआ फिर? खाने थाने में कोई सुनवाई नहीं भाई।